केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल बीते 6 साल से लापता सागर के किसान मान सिंह पटेल के बेटे सीताराम पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन पर आरोप लगाए थे कि उसके पिता के अपहरण के पीछे मंत्री राजपूत का हाथ है। ये पूरा मामला साल 2016 है। तब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सागर के पीली रोड स्थित उनके कॉलेज से लगी हुई एक जमीन को हड़पने के आरोप लगे और ये जमीन मान सिंह पटेल नाम के शख्स की थी, जो जमीन पर सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ कि राजनैतिक द्वेष के चलते मंत्री राजपूत के करीबियों ने उनकी छवि को खराब करने के लिए ये साजिश रची और ये खुलासा खुद मंत्री राजपूत के भाई हीरा सिंह राजपूत ने किया है। देखिए भाई साहब, ये सारा आरोप निराधार है। हम सब डॉक्यूमेंट सहित आपको बताने वाले हैं। 2016 में इसी सीताराम पटेल ने एक शिकायत की थी एक दो लोगों के दबाव में आके सिविल लाइन थाने में। बाद में जब जांच हुई तो उसी सीताराम पटेल ने, जिसके सीताराम पटेल के सगे चाचा मेरे पास बैठे, मानसिंह पटेल के सगे भाई उत्तम पटेल, तो फिर सीताराम पटेल जिसने शिकायत की थी उसी ने सिविल लाइन थाने में पूरी जांच के दौरान एक शपथ पत्र दिया और उस शपथ पत्र में लिखा उसने कि मैंने जो शिकायत की थी गोविंद राजपूत जी के खिलाफ, ये टोटली फ्रॉड है, झूठी है। मैंने कौन मलैया विनय मलैया और एक अन्य पटेल के दबाव में आगे की थी, ये उन्हें शपथ पत्र दिया था 2016 में और उस समय वो जांच खत्म हो गई। इस मामले में मंत्री के बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके भाई ने तमाम दस्तावेजों के साथ सभी आरोपों को सिरे से नकारा और बताया कि सीताराम पटेल नाम के युवक ने मंत्री के विरोधियों के बहकावे में आकर झूठे आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान सिंह के भाई और आरोप लगाने वाले युवक के चाचा उत्तम सिंह भी मौजूद थे और मंत्री पर लगाए तमाम आरोपों को उत्तम सिंह ने झूठा बताया। उत्तम सिंह ने कुछ नाम भी बताए और उन पर साजिश रचने का आरोप लगाया। ये दो लोगों के उसमें है, विनय मलैया और राजकुमार धनोरा, वो दूसरे सीताराम के पिताजी का ले ले, सीताराम का उसके पिताजी को है कि क्या बात हुई उनकी, तब गए हैं वो, ऐसे कोई विवाद में नहीं गए, वे घर विवाद में गए हैं। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो भी मीडिया के सामने रखी गई जिससे पूरी साजिश की कलई खुल गई। इस ऑडियो में मोटी रकम के लिए मंत्री राजपूत को ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आ रही और हम से कही थी। हाँ, वो कही थी। थी। हम तो आपको 30 लाख रुपया दे रहे हैं, हम तंग जीव अकेले बस। हाँ। हम सामने वाले की कछु भी मतलब 100 लाख 30 लाख का दे रहे हैं, मतलब थोड़े से हमारे सपोर्ट करो थोड़े से। हाँ। तो पिताजी के माहौल में, पिताजी को माहौल में का, पिताजी के माहौल में पिताजी गुमसाने भाई थे अपनी। अरे गुमशुदा भाई थे, बहुत चीज की जानकारी तो तुम्हें भी है कि गुप्त पिताजी कहाँ है। तुम्हें जो तुम्हें जो तो पता है कि उन्होंने बस शिकायत झूठी जो करी थी, सिर्फ एक किला वो 80 डिसमिल को लफड़ा, तो अपन क्यों विरोधियों के साथ लगे। मंत्री के परिजनों की दलीलों और ऑडियो से यही समझ में आ रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोगों ने सीताराम पटेल नाम के युवक का इस्तेमाल किया और झूठे आरोप लगाकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे WhatsApp नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।